आपने सुना होगा लग्जरी अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट। तो भैया आज हम आपको दिखा देते हैं कि लग्जरी अपार्टमेंट होते क्या है। जो आप लोगों ने बाहर मूवीज में देखा होगा ना कि भाई घर में बैठे हुए एक ही कमरे से जो है वो आवाजें लगा रहे हैं कि भाई लाइट ऑफ हो जाए, ऑफ हो जाती है, वो वाला सारा का सारा सेटअप इसके अंदर दिया हुआ। बैंगलोर नहीं है भाई, 120 वर्ष का जो बैंगलोर होता ना उसकी तर्ज पर ये अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट इस फ्लैट की, इस अपार्टमेंट की जो खसूसियत है ना वो भाई मेरे, कि भाई आपने यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे बैठे आप लोगों ने यहीं से मेरा बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्ट बन रहे हैं, तो भाई ये बंद कर देगा। देखो गाइस, क्या हाल है? टिकटॉक मजे में एक बार फिर आपकी खिदमत का होगा। तो भैया आज जो आप लोगों के प्रोजेक्ट लेकर आए ना, जबरदस्त बढ़िया, एक इंतहाई सस्ता और मुनासिब कीमत में रांची शहर के बीच के अंदर स्कीम 33 पे जो है वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। ठीक है ना, मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं ये माशाल्लाह प्रोजेक्ट, ये इसकी अभी इस टाइम पे करंट पोजीशन है। ठीक है ना, ये भी नहीं है कि भाई अभी स्टार्ट होगा नहीं होगा, एक साल लगेगा, डेढ़ साल लगेगा, नहीं भैया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, ये तो आप लोगों ने देख लिया है। तो भैया किस तरीके का जो है ये प्रोजेक्ट बनेगा और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, तो पहले इनका जो मॉडल तैयार है ना वो हम लोग देख लेते हैं, वो फिर देखते हैं और आप लोग फिर देख के मुझे बताइएगा कि भैया आपने सुना होगा लग्जरी अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट। तो भैया आज हम आपको दिखा देते हैं कि लग्जरी अपार्टमेंट होते क्या है। और ये लग्जरी भी नहीं है भाई, ये लग्जरी भी नहीं है, ये मोस्ट लग्जरी है। जो आप लोगों ने बाहर मुल्क में देखा होगा ना कि भाई घर में बैठे हुए एक ही कमरे से जो है वो आवाज़ें लगा रहे हैं कि भाई लाइट ऑफ हो जाए और ऑफ हो जाती है, वो वाला सारा का सारा सेटअप इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देर नहीं करेंगे, जल्दी से चलते अंदर और चल के आपको दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो भाई ये आ गया हमारा व्यंजन का पार्ट, क्या जबरदस्त मतलब फिनिशिंग आई हुई है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं सामने आपको जो है वो बाथरूम नज़र आ रहा है, कॉमन बाथरूम है ये। ठीक है ना, यहाँ पे जो है वो मतलब मेहमान वगैरह आते हैं तो डायरेक्ट आके जो है रिफ्रेशमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यह सामने आप जो है वो किचन एरिया है, पूरा किचन एरिया आपके सामने माशाल्लाह, जो मतलब जितनी कैटेगरी मतलब जितना एरिया चाहिए होगा किचन के लिए, अच्छे किचन के लिए, वो सारा का सारा किचन आपको मिल रहा है। समझ लो ये बैंगलोर नहीं है भाई, 120 वर्ष का जो बैंगलोर होता है ना उसकी तर्ज का ये अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट ठीक है ना, और ये आपके सामने लाउंज देखिए कितना बड़ा है माशाल्लाह, इतना बड़ा लाउंज है कि इसके अंदर जो है वो एक कमरा आराम से बन जाता था। देखिए नहीं भैया, ये बिल्कुल लिविंग है, रूम है, समझ रहे आप? ठीक है ना, और इसके अलावा खसूसियत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना इस घर की मतलब इस फ्लैट की, इस अपार्टमेंट की जो खसूसियत है ना वो भाई ये है कि भाई आपने यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे बैठे आप लोगों ने यहीं से जो है बोल रहे हैं कि भाई लाइटें बंद हो जाए, तो भाई ये बंद कर देगा। देखो भाई एक गूगल टर्न ऑफ लिविंग रूम,
अटॉर्नी वांट्स फॉर लिविंग। ये देखा, ये देखा आपने? और भाई इसने बोलते कि साथी जो है वो लाइटें बंद कर दी है, अभी मैं इसको बोलूंगा भाई लाइटें ऑन कर दो, ये तो कोई यहाँ से स्टार्ट कर देगा। ए गूगल, टर्न ऑन लिविंग रूम। Alright, turning on the living room. Yeah, they have. MashaAllah. मतलब बैठे बैठे आपने कहीं जाना नहीं है, कोई बटन नहीं दबाना और यहीं से जो है वो सारी कमांडें देनी है और यहीं से जो है लाइटें शाइटें बंद कर देनी। आजकल लोगों की यही परेशानी है कि भाई फलाने कमरे की लाइटें खुली हुई है, वहाँ का बिल आ रहा है, यहाँ का बिल आ रहा है, तो भैया ये टेंशन भी दूर हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ उसका बेडरूम, आइए मेरे साथ। भैया ये देखिए, ये इसका शानदार आलीशान बेडरूम है, ठीक है ना, माशाल्लाह ज़बरदस्त स्पेस वी भी है। और ये सामने ऊपर जो है फानूस लगाया हुआ है, क्या देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ठीक है ना। इसके अलावा इस साइड में जो है वो एक अलमारी दी हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा बाथरूम दिखा दो मैं आपको, ये देखो बाथरूम इधर आइए, ये बाथरूम ज़रा चेक करें आप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना, कैसा नहीं कैसा नहीं है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, मतलब सही यूटिलाइज हुआ है भाई। आपने एक रूम तो देख लिया ना, इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा रूम, ठीक है ना। ये आइए मैं आपको दिखा दूँ एक वो, ठीक है ना। ये एक बेडरूम हो गया, ये देखो और बेडरूम आ रही हुई मर्सल में, ये भी माशाल्लाह इसके बाद फोटो भी देंगे आप, क्या ज़बरदस्त बेडरूम बनाया हुआ है यार, ठीक है ना। इतनी कम स्पेस, मतलब आप समझ लें ये 120 गज का जो बैंगलोर होता है ना, उसी के तरीके से जो ये सामने वहाँ हुआ। इसके साथ भी जो है वो अटैच बाथरूम है, ये भी अटैच बाथरूम भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना, कैसा है कैसा नहीं है ये आपके सामने है माशाल्लाह, ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने जो है वो अपना यूटिलाइज की हुई जगह पर। अच्छा है, इसके अलावा जो ना मैं आपको एक और चीज़ खसूसियत मैं आपको दिखाऊँ उसकी, यहाँ की जो बटन है डिजिटल, डिजिटल बटन दिएगा भाई, ये देख सकते हैं आप, ये डिजिटल खाली टच करो और ये बंद और ऑफ, ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल हैं, क्या ज़बरदस्त। ये जो है वो इन लोगों ने जैसे फ्रंट चढ़ा नहीं भेजी है, साथ में जो है वो डाइनिंग टेबल यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ से सोफे लगा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अच्छा एक ड्राइंग रूम मिलेगी, मैं आपको ड्राइंग रूम यूज़ करता हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना। अच्छा इसके साथ साथ ले वो एक ये कॉमन जो बाथरूम है, अगर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो वो यहाँ से आके रिफ्रेश हो सकते हैं, ठीक है ना, हाथों हाथ उनको घर के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऐसा होता नहीं कि भाई घर के अंदर नहीं भैया ज़रूरत भी नहीं है। और ये आ गया आपका ड्राइंग रूम, ये भी माशाल्लाह देखें सामने फानूस कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, और कितनी अच्छी स्टेस, मतलब एक छोटा रूम ही है आप सोच सकते हैं, छोटा रूम ही है। वैसे अमूमन देखा जाता है कि ड्राइंग रूम जो है वो एक छोटा सा दरवाजा सा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, एक अच्छी खासी माशाल्लाह स्पेस है इसके अंदर भी, ठीक है ना। तो भाई ये है यहाँ का मॉडल अपार्टमेंट, और कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है ना।